स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून। ये आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चैप्टर है। आज हम आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ाना चाहते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहते किसे हैं, सबसे पहले ये जानना आवश्यक है। हिंदी हो या अंग्रेजी हो या कोई भाषा हो, हम जब बातचीत दो व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उस बातचीत में आप ध्यान दें, कभी कभी हम वक्ता की बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देते हैं। वक्ता ने जो कुछ भी हमसे कहा हमने उसे ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर दिया, कह दिया, बोल दिया, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब सीधा। इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, तो जब हम वक्ता की बात को, यदि किसी वक्ता ने कोई बात कही और उस की बात को हम अपने शब्दों में, उसकी कथन को हम अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हैं तो हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि डायरेक्ट स्पीच में किसी ने कोई बात कही, सपोज दैट आपको रास्ते में या कहीं भी आपके अध्यापक, अंग्रेजी के अध्यापक मिल गए, इंग्लिश टीचर मिल गए और उन्होंने आपसे कहा कि आपने इंग्लिश में 80% अंक प्राप्त किया है, तुमने अंग्रेजी में 80% अंक प्राप्त किया है, ये बात गुरुजी ने, अध्यापक ने कहा। तो अब इसको अगर आप घर आते हैं अपनी माँ से या पिता से इस बात को ज्यों का त्यों बता देते हैं कि आज गुरुजी मिले थे और उन्होंने कहा कि तुमने अंग्रेजी में 80% अंक प्राप्त किया है, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गई, क्योंकि गुरुजी ने बात को जिस तरह से कहा था उसमें एक भी शब्द आपने न बदला, न शब्दों का स्थान बदला, न शब्द बदला, ज्यों का त्यों अपने घर में अपने माता पिता को बता दिया जो गुरु ने कहा था। अब आइए हम इनडायरेक्ट स्पीच पे आते हैं कि ये इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। अब इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब जो डायरेक्ट ना हो, परोक्ष हो, प्रत्यक्ष ना हो, परोक्ष हो, यानी जिस तरह से वक्ता ने बात को कहा हो हम उस को ज्यों के त्यों न प्रस्तुत करें बल्कि उसके साथ वक्ता की कही गई बात के सारांश को हम अपने शब्दों में प्रस्तुत करें, इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे अध्यापक ने यह कहा कि तुमने अंग्रेजी में 80% अंक प्राप्त किया है, तो अब हम इस बात को अपने माता पिता से घर आके बताएं कि अध्यापक ने मुझसे कहा कि मैंने अंग्रेजी में 80% अंक प्राप्त किया है। अब देखिए गुरुजी ने तो कहा था तुमने 80% अंक प्राप्त किया, तुमने अंग्रेजी में 80% अंक प्राप्त किया है, लेकिन हम गुरुजी की कही बात को जब अपने माता पिता से बता रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि गुरुजी ने मुझसे कहा कि मैंने अंग्रेजी में 80% अंक प्राप्त किया है। गुरुजी ने तुमने कहा था, हमने तुमने हटा के तुमने की जगह मैंने शब्द लगा दिया, यानी गुरु जी की कही बात को हमने अपने शब्दों में कहा। तो जब हम किसी की कही बात को अपने शब्दों में कहते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट्स होते हैं। डायरेक्ट स्पीच जो आपकी होती है उसमें एक पार्ट आपका है रिपोर्टिंग पार्ट और दूसरा पार्ट है रिपोर्टेड पार्ट। रिपोर्टिंग पार्ट क्या है और रिपोर्टेड पार्ट क्या है, जब हमारा वाक्य होता है कोई, उस वाक्य में एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है और वाक्य का तीसरा हिस्सा होता है कही गई बात या कहा गया कथन। तो जो वक्ता है वो या तो कोई बात कहता है या आदेश देता है या निवेदन करता है या प्रार्थना करता है या आग्रह करता है, तो वक्ता ने जो कुछ भी किया
दो शब्दों में आप कहते हैं फला ने फला से कहा, फला ने फला से ये कहा, तो वक्ता का परिचय और उसने निवेदन किया कि आदेश दिया कि प्रार्थना किया, इसे हम रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं। मतलब सपोज दैट रमेश सेड टू मी, यू आर नॉट लेजी बॉय। अब रमेश सेड टू मी, ये हो गया रिपोर्टिंग पार्ट। ये रिपोर्टिंग पार्ट क्यों हो गया? क्योंकि इसमें वक्ता का परिचय है, वक्ता रमेश है, रमेश का परिचय दिया गया। दूसरा पार्ट जो होता है वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर वक्ता के द्वारा कही गई बात आ जाती है। यहाँ पे यू आर नॉट लेजी हुआ है, ये है रिपोर्टेड पार्ट। इस तरह से डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है, इसके रूल्स हैं, इसके नियम हैं, और हर तरह के वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलने के अलग अलग नियम, अलग अलग प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के अलग अलग नियम हैं। सपोज दैट हमारे पास असर्टिव सेंटेंस भी हैं, नेगेटिव भी हैं, इंट्रोगेटिव भी हैं, लेट के सेंटेंस भी हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हैं। कई प्रकार के सेंटेंस हैं, और हर प्रकार के सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाने के लिए अलग प्रकार के नियम हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये अभी हमने केवल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का जो परिचय दिया है, इसके बाद हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को एक दूसरे में कन्वर्ट करने के रूल्स लिखाएंगे और बताएंगे। थैंक्स।